नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जो भारत के सभी एग्जाम में मुख्यतः पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है बिरसा मुंडा। तो देखते हैं बिरसा मुंडा से डील होने वाले सवाल। तो शुरू करते हैं, पहले इसका ब्रीफ समरी। बिरसा मुंडा का टाइम पीरियड है 1875 से 1900। ये मात्र लगभग 25 ईयर जीवित रहे। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। जन्म इसका 15 नवंबर 1875 रांची जिला पहले था, अभी वर्तमान में खूंटी हो गया है। तमाड़ थाना के उलिहातू गांव में इसका इम्पोर्टेंट है। ये मुंडा फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्हें अपना प्राइमरी शिक्षा एक जर्मन चर्च में पाया था। जिस समय इसका उम्र 18 साल हो गया, उस समय चक्रधरपुर में एक आंदोलन चल रहा था, उसी में शामिल हो गए। बिरसा मुंडा ने 1895 में सिंगबोमगा यानी पैगंबर का दूत के संतुल अपने आप को घोषित किया। ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, बिरसा ने अपने आप को सिंगबोमगा का दूत कब घोषित किया? इसका आंसर होगा 1895। और बिरसाइत पंथ की स्थापना की। बिरसा ने कौन सा पंथ की स्थापना की? बिरसाइत। 1895 में भी 1895 से वे अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और 1895 में उसको गिरफ्तार करके 2 साल के लिए हजारीबाग जेल भेजा गया था। तो इम्पोर्टेंट है, 1895 में जब इसको गिरफ्तार किया गया था तो कौन सा जेल भेजा गया था? तो आंसर होगा हजारीबाग जेल। जहाँ से जब 1895 में इसको गिरफ्तार किया जाता था, 1897 में उसे रिहा कर दिया गया। फिर फरवरी 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जहाँ 9 जून 1900 को उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कहाँ हुई? रांची जेल में। और किस मृत्यु कैसे हुई? हैजे बीमारी से। ये टर्म बाय टर्म है, इसको जरूरी है सब। तो मैं शुरू कर, मुंडा विद्रोह किसने शुरू किया था? बिरसा मुंडा ने। कब? 1895 में। बिरसा मुंडा का और कौन नाम से जाना जाता है? धरती आबा और भगवान की। इसका डेट ऑफ बर्थ 15 नवंबर 1875, जो 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी इसी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये जेपीएससी के लिए होगा ये सवाल डील। बिरसा आंदोलन का कारण क्या था? जो कारण था बैठ बेगारी पर था, और वन कारण, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत 1895 में घोषित किया और एक नए धर्म बिरसाइत की शुरुआत की। बिरसा मुंडा ने अपना राजनीतिक गुरु दोंका मुंडा को और धार्मिक सोमा मुंडा को घोषित किया। इसका राजनीतिक जो था दोंका मुंडा, सोमा मुंडा को धार्मिक के बारे में नियुक्त किया गया। और बिरसा आंदोलन के सेनापति कौन थे? गया मुंडा। वो सेनापति का पद गया मुंडा को दिया गया। बिरसा आंदोलन जो आंदोलन 1895 जो हुआ था, इसका मुख्य सेंटर खूंटी था।
बिरसा आंदोलन 1895 में हुआ शुरू हुआ उस समय रांची का उपायुक्त कौन था? रांची का डीसी कमिश्नर स्टेट फील्ड। बिरसा की मृत्यु 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा से हुई थी। बिरसा आंदोलन का इसका परिणाम क्या हुआ? ये तो 1909 जून 1900 को चले गए, इसके परिणाम क्या हुआ? 1902 में गुमला और 1903 में खूंटी को अनुमंडल का दर्जा दिया गया, और इसी का परिणाम था 1 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया? 1 नवंबर 1908। बिरसा आंदोलन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लीजिए। बिरसा के फादर का नाम सुगना मुंडा। सुगना मुंडा थे कौन? वो लिहातू गांव के बटाईदार। बिरसा के माता कदनी मुंडा। बिरसा का नामकरण बृहस्पतिवार को जन्म लिया था इसी कारण। इसके बचपन का नाम बर्थ नेम इसका था दाऊद मुंडा। बिरसा का आरंभिक टीचर था जयपाल नाग। इस इंपोर्टेंट सवाल है, बिरसा का धार्मिक गुरु आनंद पांडे, पांडा या पांडे? बिरसा का धार्मिक गुरु आनंद पांडे। तो बिरसा आंदोलन शुरू किया, तो इसका विचारधारा क्या था? देवताओं के स्थान पर सिर्फ सिंह बोंगा की उपासना, सिंह बोंगा की उपासना पर बिरसा मुंडा ने बल दिया। मंदिर का भी विरोधी था, हिंसा और पशु बलि का विरोध किया और हंडिया पीना मना किया और जनेऊ धारण शुरू करवाया। बिरसाइयत धर्म मुंडा द्वारा प्रतिपादित किया गया, एक धर्म उसने शुरू किया था बिरसाइयत, जो बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। बिरसाइयत धर्म क्या था? यह मुंडा जाति की धार्मिक भावनाओं के साथ हिंदू एवं ईसा के तत्वों को सम्मिश्रण। जब 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था, उस गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल भेजा गया था, 2 साल की सजा हुई थी, जहां से 1897 में हजारीबाग से जेल से रिहा हुए। तो हजारीबाग के उस समय डीसी थे जी आर के मेयर्स। अठारह सौ पंचानवे में जब इसको गिरफ्तार किया गया था, और साथ में 50 रुपया का जुर्माना भी लगाया गया था, जिसमें 50 रुपया पेड नहीं कर पाए तो 6 महीने का और जुर्माना, 6 महीना और जेल हुआ। बिरसा आंदोलन हुआ किए ने किए उसमें बिरसा ने कुछ प्रमुख लोगों को नियुक्त किया, जैसे सेनापति था गया मुंडा, राजनीतिक मामले के प्रमुख दोंका मिल्ला मुंडा और धार्मिक सोमा मुंडा, धार्मिक मंत्री सोमा मुंडा। बिरसा आंदोलन के समय एक गीत चलाया गया था, जिस जो गीत था कटोंग बाबा कटोंग, रारी कटोंग। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक गीत कब गाया था? आंसर होगा बिरसा आंदोलन के उसमें। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए कितने रुपये का इनाम की घोषणा की? आंसर होगा 500। 500 का इनाम उस पर रखा गया था, और ये इनाम मिला किसको? वनगांव के जगमोहन सिंह के आदमियों वीर सिंह महाली को इनाम मिला।
बिरसा आंदोलन से संबंधित कुछ कथन है, ये कथन जरूर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत से एग्जाम में पूछ दिया गया है। आज अगर बिरसा मुंडा आदिवासियों की स्वतंत्रता और न्याय और अधिकार के नायक के तौर पर सामने हैं और उनका श्रेय कुंवर सुरेश सिंह को जाता है, कथन महाश्वेता देवी का कथन है। मतलब इसके कहने का अर्थ है, बिरसा मुंडा को अब हम आजकल जितने भी नज़र से जान रहे हैं, इसका श्रेय सुरेश कुमार सिंह को जाता है। एक बिरसा मुंडा के जीवन पर एक किताब लिखा है, महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित अरण्य अधिकार। अरण्य अधिकार किसने लिखा, ये जेएसएससी में पूछ चुका है सवाल। अरण्य अधिकार महाश्वेता देवी कब, अरण्य अधिकार मतलब जंगल का अधिकार, वो 1975 में पब्लिश हुआ था। यार ये भी सवाल जेएसएससी ने पूछ चुका है कि महाश्वेता देवी ने 1975 में जो किताब लिखा अरण्य अधिकार, वो किस लैंग्वेज में था। इसका आंसर है बांग्ला, अरण्य अधिकार बांग्ला में लिखा। तो थैंक्स, ये थे बिरसा मुंडा के जीवन पर संबंधित कुछ तथ्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।